परदेसी मुन्ना परदेसी। तो अभी कारगिल पहुंच चुके हैं और कारगिल बाईपास देख लो भाई, रोड कितना छोटा है इधर। अभी आ गए फिर से अपने टायर वाले के पास, रथर टायर वर्कस। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल, उम्मीद है सब बढ़िया हो गया, अच्छे से हो गए और ठीक हो गए। तो दोस्तों अभी खाली जो है कर दिया है, अभी वापस निकलने की तैयारी है। अभी आप देख सकते हो ये FCI, ये देखो ट्राले कितने सारे कहाँ कहाँ से है, इस साइड भी है और पीछे कितने हैं पूछो मत। अभी इस साइड भी लगे थे जहाँ पे हमने गाड़ियाँ लगाई थी खाली करने के लिए, इन दुकान वालों ने इनको निकाला यहाँ से, इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ लगी थी ना। तो देखो FCI में कहाँ तक गाड़ियाँ पड़ी हुई है पीछे तक। इस साइड तो लगभग मुझे लगता है 150 तो इस साइड ही है पीछे से इस साइड। चलो अभी मैंने खाली तो कर दिया, अभी मैं निकलता हूँ यहाँ से आगे के लिए। तो नीमू पहुँच चुके थे और चाय वाय पी ली, अभी बस निकलने वाले हैं। इसको पहचानते हो गए, मुन्ना परदेसी, परदेसी बाबू। चलो अभी चलते हैं यहाँ से आगे। अभी लामायुरु चढ़ रहे हैं, यहाँ पे आज मैगडम डाला हुआ है भाई, जंपिंग से तो बच गए यहाँ। बाकी व्यू देख लो, व्यू तो जबरदस्त है यहाँ का। भाई अभी हंसकोट पहुंच चुके हैं, फोतेला क्रॉस कर लिया, उतर भी गए, अभी हंसकोट पहुंच गए। यहाँ से आगे फिर उद्घरबू से प्लेन है लगभग खंगराल तक, वहाँ से फिर चढ़ना है नमकीला और उतरना है, और ऊपर से NBS 6 की जंपिंग। आज हमारा मुन्ना परदेसी भी थक गया, इसको ये सोने के लिए आया बेचारा मेरी गाड़ी में, लेकिन बोलता है कैसे सो जाऊँ, ये खचर वो नहीं होता है वो बड़ा घोड़ा खचर वाला, वो आम घोड़े से बड़ा, बोलता है ये वही है, बोलता है इसमें नींद कहाँ से आएगी, क्योंकि भाई ये एक एक फुट ऊपर फेंकती है गाड़ी छोटे से छोटे वॉबलिंग में। भाई चलते चलते पहुंच चुके हैं अभी वाका, और अभी मैं थोड़ा रेस्ट कर रहा हूँ। परदेसी मुन्ना परदेसी, मस्त है मस्त। तो अभी कारगिल पहुंच चुके हैं और कारगिल बाईपास से जा रहे हैं भाई, यहाँ से जाना जुलम है पूरा गाड़ी के लिए। ये देखो मुन्ना परदेसी अपना मस्त सोया है बेचारा, कल रात को पूरी रात को चल रहा था और सुबह 8 बजे पहुंचा है ले और सुबह निकला वापस। अभी मेरे गाड़ी में आया था नींद करने के लिए, मैंने बोला इसको आप चला लो फिलहाल, बाद में करना, अभी फिर सो गया इसकी गाड़ी पीछे पीछे वो भाई। लेकिन यहाँ पे लोगों के आंगन है ना, लोगों के आंगन में से किसी के स्लेप से ऊपर से गाड़ी चलती है, खुद देख लो भाई, देखो यहाँ जो मेन बाईपास नीचे है वहाँ से ब्रिज टूटा हुआ है, वो नया बना रहे, पता नहीं बीकन वालों को हो गया उसको 2 साल बनाते हुए, अभी तक तैयार नहीं हो रहा है वो। आई 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 किसमें हुआ। अभी पहुँच गए भाई बिम्बट, और चल ही रहे थे तो बीच में मिल गया मुझे यावर भाई। अचानक से दिखा मुझे। तो बाकी आप यहाँ का व्यू आज देख लो, ये द्रास बिम्बट भाई क्या सीनरी है भाई, बहुत बढ़िया। पहुँच गए अभी मिनीमरग और गाड़ियाँ जो है आगे छोड़ रहे हैं, अभी हम भी टाइम पे चलो पहुँच गए, अभी निकलेंगे सीधे घर। बाकी वहाँ की भी कानवाई आ रही है अभी गाड़ियाँ सारी। अभी पहुंच चुके हैं 0 पॉइंट और जाम यहाँ पे बहुत सारा है, क्योंकि भाई 0 पॉइंट पे जो है टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आता है ना, इसलिए यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत रुकी हुई होती है और जाम तो लग ही जाता है। गया
मगर आज ना टूरिस्ट जो तमाम पहुंच गए इंडिया गेट और पुराना रोड जो है खुल चुका है, अभी जाएंगे पुराने रोड से। लेकिन भाई ये रोड जो है ना बहुत ज़्यादा छोटा है, बहुत ही छोटा। देख लो भाई रोड कितना छोटा है इधर। पहुंच गए अभी रेल घर पहुंचने वाले हैं और अभी जम्मू की कानवाई जो है छोड़ी नहीं है, तो अभी मैं सीधे जाऊंगा उधमपुर के लिए। अभी घर नहीं रुक सकते क्योंकि भाई अगर आज कानवाई नहीं छोड़ी तो मतलब कल छोड़ेंगे, अगर मैं नहीं गया तो फिर 3 दिन बाद यहाँ की कानवाई है। चलो निकलता हूँ अभी मैं फिलहाल सीधे उधमपुर के लिए। अभी दोस्तों घर में तो रुका नहीं क्योंकि डायरेक्ट जाना है उधमपुर। अभी आ गए फिर से अपने टायर वाले के पास, रथर टायर वर्कस। अभी यहाँ पे मुझे टायर बनाना था क्योंकि भाई अगर मैं घर में रुक जाता, मैं सोचा ये शायद घर चला जाएगा तो मैं रास्ते में फिर पंगा हो जाएगा, इसलिए मैंने फिर सीधा ही आ गया घर। ओ अतकास्ता वो सीधा ही आ गया यहाँ पे घर से। अभी यहाँ से सीधा चला जाऊँगा उधमपुर। फिलहाल टायर फिट कर रहा हूँ, मिलते हैं आपसे बाद में। कर लिया सारा कुछ कंप्लीट, ग्रीस फिल्टर वगैरह सब कुछ, बस अभी निकल रहा हूँ मैं उधमपुर के लिए। तो अभी निकले हुए हैं लेकिन भाई मंडी के आगे थोड़ा बहुत पहुँच चुके हैं, जाम देख लो, ये पूरा बाईपास जाम हो चुका है, पता नहीं क्यों लेकिन आगे बहुत ज़्यादा जाम है, बहुत ही ज़्यादा। अभी कानवाई तो मुझे लगता है मुश्किल, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो अभी आ चुके हैं जिग पोस्ट पे, अभी कानवाई जो है रोक दी गई है और छोड़ेंगे अब कल भी यहीं से। तो चलो करते हैं ये व्लॉग यहीं पे एंड, मिलेंगे आप लोगों से अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।